बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब्स इन्फो डॉट पी के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों नादरा में बहुत सी जॉब्स आई हैं, तो दोस्त इन जॉब्स की जो डिटेल है वो इस वीडियो में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इन जॉब की डिटेल बताऊँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों बात करते हैं इन जॉब्स की, तो ये जॉब जो हैं वो 1 सितंबर को संडे वाले दिन पोस्ट की गई हैं और इन जॉब की जो डिटेल है वो इस ऐड में मुकम्मल दी गई है। दोस्त इस ऐड को देख सकते हैं कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा, असामियाँ खाली, और इसमें असामियाँ जो हैं पहले सबसे पहले जो है वो साइट इंचार्ज, उसकी तलीमी काबिलियत आगे मेंशन की हुई है, उसके बाद उसकी उम्र है 35 ईयर्स और उसके बाद तजर्बा और जिस जगह पे जितनी असामियाँ हैं उनकी मुकम्मल आगे डिटेल दी गई है। तो दोस्तों ये जो जॉब्स हैं ये सारी जो हैं पेशावर की हैं, तो ये पेशावर के सारे जो अजला हैं उनके जो असामी तदाद है मुकम्मल डिटेल से तफसील से बताई गई आगे। उसके बाद सुपरवाइज़र की है, इसके जो आगे रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी दी गई हैं, असामियों की डिटेल भी दी गई है किस किस ज़िले की हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, इसी के सेम उसी तरह मुकम्मल डिटेल दी गई है आगे असामियों की। और उसके बाद ऑफिस बॉय की है, तो इसकी भी इसी तरह मुकम्मल डिटेल आगे असामियों की मुख्तलिफ अज़ला की जो हैं दी गई है। खाकरोब की हैं, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स, और दोस्तों इनके जो अप्लाई करने का तरीका है वो नीचे मुकम्मल दिया गया है कि सिर्फ शॉर्ट लिस्ट जो करदा उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपने जिस दिन के ऊपर अप्लाई करना है और इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसके जो हेड ऑफिस है, रीजनल हेड ऑफिस नादरा पेशावर, ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन, EOBI, बिल्डिंग प्लाट नंबर 31, सेक्टर B1 फेज V, हयात आबाद पेशावर। तो दोस्तों इसमें नीचे उनका फ़ोन नंबर भी दिया गया है, तो दोस्तों उससे रब्ता करके इन जॉब्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी किस्म की कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ एक और नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।